गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर स्टडी टू वे ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस। इट मीन्स लास्ट लेक्चर वी आर स्टडी द मोटिवेशन पावर, मोटिवेशन थ्योरी, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड ऑल। टुडे वी आर स्टडी द डिफरेंट टू वेज टू मोटिवेट एनीवन। ओके, इन फर्स्ट वे ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूज द वैरायटी ऑफ मोटिवेशन टूल्स एंड टेक्निक्स टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज इन अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट दे आर परफॉर्म the best their ability. क्यों motivate किया जाता है? The reason is to ability work. उनसे जो work है, उनकी ability है, उनके done activity है, वो उनसे करवा के ली गई, इसलिए किसी को motivate किया जाता है. This can be regard from the tangible benefit like bonus and paid holidays, intangible process like job relation and setting of workplace work goal. अब ये कैसे motivation होता है? तो हम उसको बोनस दे सकते हैं, उसे कहीं घूमने भेज सकते हैं विद फैमिली टूर एंड ऑल एट कंपनी एक्सपेंडिचर। ओके, द रिलेटिव ऑफ मोटिवेशन, अब इसमें जब किया जाता है तो क्या किया जाता है? एज द मोटिवेशन अबव द एलिमेंट दैट मोटिव डिफर इन पर्सनल फॉर्म सिचुएशन एंड द फॉर्म ऑफ टाइम इज यूजिंग फॉर सिंपल इलस्ट्रेशन अबाउट इन द वॉटर हैव द मोर वैल्यू टू पर्सन लॉस्ट इज डिजर्व एट कंपेयर टू पर्सन हु इज नॉट। Another example is a relation overtime. When doing the overtime, employee have a choice between doing extra work and getting extra money or less work at less money. किसी को किस तरह motivate किया जाते हैं? One motivate person उसने क्या बोला हुआ है कि इस तरह काम करो कि वो जितना काम करे उसको उतना reward मिलना चाहिए। Maximum work, maximum reward. Minimum work, minimum reward. उसके साथ के पार्टनर या उसके साथ कोई ऐसा वर्क नहीं होना चाहिए जिससे उसको फील हो कि तो जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें उसके साथ पार्शियलिटी हो रही है। एंड दिस पार्शियलिटीज कैन हेल्प टू अनमोटिवेट दिस माइंड, एंड जब वो उसका माइंड अनमोटिवेट हो गया तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, या फिर वर्क तो करेगा लेकिन उसमें उसको जो आने वाली खुशी रहेगी वो नहीं आएंगी। देन ही इज नॉट मेक प्लेजर विथ हिज सेल्फ एंड इट इज अनमोटिवेट देम। The second is the cart and the stick. The cart and stick approach of motivate. अब इसमें क्या बोला है? Very widely known as the motivate concept in the cart and stick approach. To motivate in change behavior, manage feels that using the carrot and stick and approach behavior of the people at workplace and change. Management feels this basically two way. Behavior change in force of choice, thought and use of incentive. किसमें होता है? देखो, मोटिवेट तीन चीजों की वजह से चेंज होता है, तो उसमें से दो है वे ऑफ बिहेवियर एंड थ्रू इंसेंटिव, कि एक लोग कैसे रह रहे हैं उसके साथ और दूसरे उसके काम का उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, ये दो चीजें उसको कभी भी डाइवर्ट करती है। द स्टिक ऑफ फेयर इज गुड मोटिवेशन व्हेन यूज एट द करेक्ट टाइम कैन बी वेरी हेल्पफुल इन द context fair has well the always been the convincing choice of my management and helpful to organization. When all else fail, the stick approach is some who most attractive as to usually produce instant use compliment and hence immediately reason. Fair is always attractive as in short time and employees perform may be the improve without any needs to incentive and financial remuneration. Fear, however, has in weakness in that organization. Motivation by fear is promoted revolution. But done with carrot dangling in front and what cat behind is the instant carrot. So the donkey is hungry enough. The carrot is sweet enough, the lot is light enough. A combination of the above is, if any above is satisfied, the carrot will not serve as incentive. On the assumption that the condition is satisfied, there is still the question of letting the donkey assumption take bite in carrot. It means jab hum agar kisi ek donkey ya carrot ko ya lot ko इन तीन चीजों को या थ्री डिफरेंट पर्सन एज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करें तो डोंकी का जो वर्क है वो कैरेट के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है या कैरेट के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होता,
उस लॉट एज कम्पेयर टू दिस लॉट, और दो तीनों का जो इनफनेस है या दोनों का जो काम है, इन तीनों के काम से कोई रिलेशन नहीं होता कि दे आर दे डिफरेंट इन ईच अदर. ओके, देन द सिंपल कंक्लूजन ऑफ योर दिस चैप्टर इज द टर्म्स मोटिवेशन इज यूज इन द टू सेशन जनरल कम्युनिकेशन टू वर्क एंड द स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल नीड्स. क्या होता है मोटिवेशन? साइकोलॉजिकल नीड्स है. देन एम्प्लॉय मोटिवेट इज इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर मैनेजर. एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है क्या? इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजर है. देन मोटिवेशन इज द ड्यूरिंग द फोर्स टूवर्ड अ गोल ऑफ ड्रीम, बट विदाउट करेज इंसेंसिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड मोटिवेशन इज नथिंग मोर देन व्हीकल विदाउट अ मोटर. ओके, तो कैसे एक आइडिया है कि गाड़ी विदाउट मोटर के होते, उस तरह किसी का मोटिवेशन भी विदाउट वर्क है. मोटिवेशन कैन हैपन एग्जिस्टिंग द इंटेंसिव, इट मीन्स द पीपल आर आइदर मोटिवेट एंड एक्चुअली और द हेल्प ऑफ मोटिवेशन यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स. ऑल्दो इट इज इम्पॉर्टेंट टू एम्प्लॉय टू जनरली इंटेंसिव एंड वर्क. ओके, हियर योर द थर्ड मॉड्यूल आर स्टॉप देयर. वी आर स्टडिंग okay, let's start the second point from motivation to organization structure. Okay, we have to study the changing construction of the threat at where of the fabric personnel perform. Kya hai dekho, organization physical environment where the organization structure are conducting their the business. Ab kaun sa business hai? The political and social problem solution. And देखो ये किसकी आउट ऑफ द बिहेवियर बोल रहा है. आउट कौन सा? जो पॉलिटिकल होता है और एक सोशियो इकोनॉमिक्स. पॉलिटिकल इन इट मींस द इंटरफेयर ऑफ पॉलिटिक्स. हर बार पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है वो चेंज होता है एज पर द पॉलिसी. एज कंपेयर सोशल उसका इफेक्ट किसको होता है? सोसाइटी. इसके ऊपर हम इन शॉर्ट स्टडी करेंगे. suggested that the change in the organization change is vehicle of avoiding station. It is a process and not an event. It is normal and consistent. Yani ye hone wala hai aur regular hai. Okay, it is fast likely increase of further in the present competitive business. It is natural, that is involved or adaptive. It is reaction, external circumstances and approach are. It will set change in current contents, and so it is not easy. Every organization adoption of process, etc. Okay. Here we are the study, the approach. देखो कैसा किया जाता है. तो policies बनाई जाती है. तो first beginning of your business, vision, skill, incentive, reserve, action plan. हमारे सब vision रहेंगे जिससे mission होगा, organizational object बनेंगे. देन उसको सॉल्व करने के लिए हम स्किल पर्सन को ढूंढेंगे. देन उस स्किल पर्सन को हम इंसेंटिव यानी रेम्यूनरेशन देंगे. ऑन दिस इंसेंटिव हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका यूज करके वो काम करेगा. एन एक्शन प्लान एंड दिस एक्शन प्लान आर कन्वर्टेड द योर रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड एंड चेंज आर डिफरेंस. अब अगर विजन ही नहीं है तुम्हारे पास, कोई विजन नहीं कि हमें करना क्या है, लेकिन स्किल डेवलपर है, इंसेंटिव है, रिसोर्सेस है, एक्शन प्लान है, तो यू आर कंफ्यूज कि व्हाट यू वांट रियली, कि तुम करना क्या इसमें कंफ्यूज है. अब देखो इसके बाद क्या है. विजन है, द चेंज इज देयर. विजन है लेकिन स्किल पर्सन नहीं है, इंसेंटिव है, रिसोर्सेस है, एक्शन प्लान है. हियर द चेंज इज देयर कि तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है. तो काम तो होगा लेकिन एग्जैक्टली नहीं होगा, जैसे कि एग्जैक्टली नहीं होगा, अनएक्जैक्टली होगा. क्यों? बिकॉज जो स्किल पर्सन था वहाँ नहीं है. तो हमें जो प्रॉपर करना चाहिए या मिनिमम स्क्रैप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो वहाँ हम कर नहीं सकते. ओके, देन विजन स्किल है बट इंसेंटिव नहीं है. उसको देने के लिए रेम्यूनरेशन तुम्हारे पास नहीं है. तो जो होने वाला वर्क है, वो रिस्क रेस्टेंस रहेगा. क्यों? क्योंकि उसको पैसे ही नहीं मिलने वाले, तो काम उस इतना दिल लगा के करने वाला नहीं है. विरोध तुम्हारे रिसोर्सेस रहे, एक्शन प्लान. देन उसके बाद फ्रस्ट्रेंट बोला हुआ है. क्यों फ्रस्ट्रेंट बोला हुआ है? क्योंकि विजन है, स्किल है, इंसेंटिव है, लेकिन रिसोर्सेस नहीं है. जो है वो अपने यूजफुल नहीं है. देन एक्शन प्लान इज बिकम फ्रस्ट्रेशन.
एंड देन फॉल्स स्टार्ट. फॉल्स स्टार्ट क्यों हो रहा है? देखो, विजन है, स्किल है, इंसेंटिव है, रिसोर्सेस है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है. अब प्लानिंग नहीं है तो प्रॉपर वर्क नहीं, प्रॉपर वर्क नहीं तो फॉर बिगो वी बिकम गो फॉल्स एंड फॉल्स स्टार्ट है देन. ओके, देन लास्ट एज वी सी इन द अबव पिक्चर वी रियलाइज दैट वॉट इज टेकन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन इनकॉर्पोरेट चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज वेरी क्लियरली फ्रॉम द अबव पिक्चर दैट फॉर any change to take place at any level in the organization, five basis elements have been and the place there are vision of organization, skill set required to incorporate the change in motivation. Are you getting my point? Incentive and Paul, you are responsible for being, as well as the incorporation, the change in providing the resources, the form of human being, capital and other requirements. And last but not least, it is action plan. किसके ऊपर डिपेंड है? देखो, विजन, स्किल, इंसेंटिव, रिसोर्सेस एंड एक्शन प्लान, एज वेल एज वी सी द सेकेंड ब्लॉक. वेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू इनकॉर्पोरेट एनी चेंज विदाउट हैविंग इट इज विजन इन प्लेस, द प्रोसेस लीड टू कंफ्यूजन अमंग एम्प्लॉई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज पीपल आर नॉट श्योर what is expected from them. Okay, in the third block, it may be the notice that any change prior to the incorporate with all elements in place expected the required skill set, it will be lead to annexity among existing employees. In the fourth block, we notice that whenever the organization try to incorporate change without announcing the proper incentive to their employee will be reluctant and they will be restricted. Okay, in the fifth block, dekho kya hota hai, we reset the element in place, but its required resources are not providing to employees, it will lead to frustration among them, as they will find very difficult incorporate the required change. Okay, only whenever the all elements in place, change can be successfully incorporate in an organization. Factor lead to organization change or causes to organization. देखो, external factor है, inter two types of factor. The external को पहला क्या है? Globalization. It is global effect. ये सबसे बड़ा change है organization. Globalize your goods are sell at global level. Then technology. Today's technology, IT sector and high level, advanced facility. Then marketing condition. So depending on the market, के तुम्हारे goods को कितना like किया जाता है, तुम्हें कितना hammerize है, तुम्हारी marketing strategy क्या है, तुम कितना sell कर सकते हो, and then social change, society में होने वाले change, and political and legal change. Politics, legal change, etc. ये number of change are affected on your organizational plan. If plan change, then action plan change, then resources change, then resources change, then your incentive remuneration change, then workplace change, work change, and other things change. As compared to internal force, change in the marginal personnel. Difference in existing organization, nature of the workforce, and to avoiding development. ये जो business के अंदर होता है, पहला क्या है? Manager change करना. अब manager change हुआ, उसकी personality change हुई, तो उसका behavior change, उसके orders change, उसके rules change, ऐसे हिसाब से old work pattern change. अब defense of existing organization, अगर organization के अंदर ही झगड़े हो रहे, defense हो रहा है, fight हो रहा है, उसके अंदर ही politics है, तो उससे होने वाले rules अलग, regulation अलग, policy अलग, work अलग. Nature of the workforce, कितना वर्कफोर्स किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कितना वर्क लेती है, कितना लेना चाहिए, इट्स डिपेंड है. तो अवॉइड ऑन द डेवलपिंग इंटेंसिव एंड एक्सेट्रा. इन ब्रीफली यार उसने उसको एक्सप्लेन किया है, मस्ट रीड इट. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज okay, the next point is implementing change and overcoming restriction. Okay, ab kaun se implementation karne chahiye jisse hame wo overcome hona chahiye, jo restriction wagera honge wo kam honge and major change honga in your organization. The first is create a session of urgency around the need of change.
Potter noticed that the reality of change behavior, it is important. It is important to share information influencing a person feeling, not just their thought. He huge that 75% of organization leadership must be buy into the change for to be the successful data. For the climate of the external stakeholder can be very important to presenting the needs of the stakeholder. It means to any one person you attract your business, koi bhi, wo seller, your buyer, supplier, receiver, koi bhi ho sakta, okay. The form of guiding the coalitions, ab guide karna chahiye, the for the change of success, not only the strong leaders critical, but also the support from the team influence people such as the top management and middle level management, including those who represent the all important RNR department. Creating the vision for the change is vision are critical help director along with and inspire the employee that lead must the define to clarity complementary statement that complement that they are sees as the future and organization as well as strategy and existing vision. Communicate the vision. It is improve the communication and vision frequently and powerful and embed the everything the field of dust. Remove obstacles. Ab isme kya bola bhai dekho, but the please the infrastructure is support to change. This may be the involve the changing of underlining the compensation system or other human resources system. क्या करना चाहिए और हमारे इधर जो क्या फील होता है इट द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो मेक अनबैलेंसिंग फील होता है जी बिगनिंग में वो अनबैलेंसिंग को हम जो ओल्ड पर्सन है उसमें उन्होंने तुम में से रिमूव करने आना चाहिए ओके देन क्रिएट शॉर्ट टर्म विन एक छोटे छोटे एक टास्क बनानी चाहिए इट इज इंपोर्टेंट टू एम्प्लॉय टू एग्जिस्टिंग द सम शॉर्ट टर्म विन्स दैट विल बी द बिल्ड मूवमेंट पीपल नीड्स टू सी द कॉम्प्लीमेंट एविडेंस ऑफ बेनिफिट इन 6 month 18 month विदाउट शॉर्ट टर्म victory build on the change ab iske baad change hona chahiye don't stop the after the first win after the each win analyze what want to do wrong anchor to change the corporate culture anchor kon hota hai yahan pe is your boss or manager okay मैक्सिमाइज उसको फॉलो करना है हाँ देन थिंकिंग प्रोसेस तुम्हें न्यू इनोवेटिव एंड ऑलवेज इनोवेशंस को थिंक करना है सोचना है उसको फॉलो करना है एंड द फॉलो इज थिंकिंग इज मोर देन थिंकिंग पावर देन कम्युनिकेशन स्किल योर कम्युनिकेशन स्किल इज वेल एंड बेस्ट होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल इज वेल एंड बेस्ट होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर और इतनी वेल बेस्ट होनी चाहिए कि हर कोई तुमसे चाहे के बात करें एंड शेयर योर थाट्स ओके देन मूवमेंट मूवमेंट मीन्स अ ग्रुप एक्टिविटी हियर लाइक लेबर मूवमेंट एंड ऑल होता है अब इसमें क्या होता है कि तुम्हें पॉजिटिव मूवमेंट में हेल्प करना चाहिए लाइक कि अगर स्ट्राइक चालू है और स्ट्राइक इज नॉशनल नो इशू इसका कोई इशू नहीं है जस्ट वर्क डन नहीं पसंद है इसलिए स्ट्राइक किया जा रहा है एंड ऑल यू आर नॉट पार्टिसिपेट ऑन दैम ओके द नेक्स्ट इज द मेन पॉइंट इज एटीट्यूड वॉट इज द एटीट्यूड द एटीट्यूड इज अ इवेल्यूएशन स्टेटमेंट एंड जजमेंट कॉन्करिंग ऑब्जेक्टिव पीपल और इवेंट एक एटीट्यूड क्या होता है कि एक पर्सन का एक ऐसे एक्टिवेट होती है जो कंसरिंग क्या है ऑब्जेक्टिव पीपल एंड इवेंट को जजमेंट करती है स्टेटमेंट है एक सिंपल जैसे कि एक बंदे ने तुम्हारे सामने एनी वन पर्सन टेल यू रिगार्डिंग टू एनी एक्टिविटी देन ऑट दैट टाइम कि उसकी एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन दिस एटीट्यूड अ पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इज द एक्टिविटी इज द वेल फॉर ऑल ओवर एंड निगेटिव एक्टिविटी वाला इज नॉट वेल फॉर ऑल ओवर वो खुद के बारे में सोचेंगे और दूसरे के बारे में नहीं देन वो दूसरे का कोई लॉस हुआ तो भी चलेगा एज अ कम्पेयर टू पॉजिटिव एटीट्यूड एज वेल एज वो खुद के बारे में एज वेल एज तुम्हारे बारे में भी सोचेंगे ओके एंड टाइम ऑफ कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड अगर इसमें कंपोनेंट्स देखेंगे तो निगेटिव एटीट्यूड के द नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो फर्स्ट इज कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है तो फर्स्ट इज द इवेल्यूशन किया जाता है तो इवेल्यूएट करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम द अदर पर्सन लाइक यहाँ देखो माय सुपरवाइजर गेव अ प्रमोशन टू अ कोवर्कर हु हैज डिजर्व इट द लेस देन मी
यानी तुम्हारा सुपरवाइजर ही जो तुम्हारा जो मैनेजर से पहले होता है, जो मैनेजर और तुम्हारे बीच की लिंक होता है, द पर्सन हु इज अ लिंक बिटवीन द मैनेजर एंड यू. अगर वो सुपरवाइजर तुमसे तुम्हारा को है यानी तुम्हारा जूनियर है उसको ज्यादा वेटेज दे रहा है तो योर वेटेज द वेटेज तुम्हें जो वेटेज दिया जाता है उस वेटेज के हिसाब से वो चेंज लाता है. लाइक माय सुपरवाइजर इज अनफेयर. अब क्यों उसने अनफेयर बोला है कि उसकी इसमें निगेटिव एटीट्यूड जनरेट हो रहा है बिकॉज वो सीनियर होके भी उसको जजमेंटल टाइम पे उसको जो इतना कंपेरिजन लिया जा रहा है एज अ ह्यूमन रिसोर्स कि उसको कम गिना जा रहा है एज कम्पेयर टू जूनियर. अब किसी जूनियर को किसी सीनियर के सामने तुम ज़्यादा वेटेज दोगे तो सीनियर इज इफेक्टेड ऑन दैम एंड द निगेटिव एटीट्यूड आर जनरेटेड देयर. द सेकेंड पॉइंट इज नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव फीलिंग. द इफेक्टिव फीलिंग क्या होती है तो इज डिसलाइक ऑफ माई सुपरविजन. आई लाइक अब उसकी फीलिंग क्या हुई तो पहला इसके उसके साथ अनफेयरनेस क्या हो रहा है कि जितना उसको वेटेज दिया जा रहा है उससे ज़्यादा वेटेज को वर्कर को या उसके छोटे या जूनियर को दिया जा रहा है. तो डायरेक्टली माइंड में उसके क्या आता है कि ये सुपरवाइजर इज नॉट गुड फॉर मी, सुपरवाइजर इज नॉट गुड फॉर मी. देन एक्शन, उसके बाद हम एक्शन क्या लेंगे. एक तो आई लीव दिस जॉब कि मैं जॉब छोड़ूंगा या फिर मैं काम में इतना टाइम पास करूंगा कि इज इट इफेक्टेड ऑन माय वर्क एंड आल्सो माय बिहेवियर. आई एम लुकिंग फॉर द अदर वर्क. आई हैव टू कंप्लेन अबाउट माय सुपरवाइजर एनी अदर हुड द लिसन. यानी जो मेरी तरह सोचने वाला दूसरा रहेगा मैं उसके साथ डाइवर्ट होकर ग्रुप बनाऊंगा एंड दिस ग्रुप आर निगेटिव थिंकिंग फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन. ओके देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. तो एटीट्यूड्स और बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर द पॉजिटिव एंड इक्वालिटी. अब जब बिहेवियर ऑफ कॉन्जिनेटिव एंड डिसऑनर है एज कम्पेयर टू द एटीट्यूड देन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. ओके अब उसके इम्पैक्ट क्या होता है, द इम्पॉर्टेंट ऑफ द एटीट्यूड एंड एसेबिलिटी एंड प्रेजेंटेशन में इफेक्ट होता है एंड दिस इफेक्ट आर हाईली डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर बिजनेस. तो जितने भी यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं उसके रिस्पांस में थोड़ी देर में देता हूँ. फर्स्ट आई कंप्लीट माय लेक्चर. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज द जॉब एटीट्यूड. अब जॉब एटीट्यूड इट्स टाइम ऑफ योर वर्किंग एटीट्यूड एंड जॉब के टाइम पे कैसा होना चाहिए. तो बेस बेसिस कंसेप्ट इज यू आर द फ्रेंडली होने चाहिए देन योर वर्कहॉलिक होना चाहिए एंड यू आर रेडी टू योर वर्क. द फर्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब इन्वॉल्वेशन. अंडर दिस पॉइंट द फर्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन. अब जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि जो तुम जॉब डिजर्व करते हो तुम्हें मिल जाए एज पर योर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर देन योर जॉब सेटिस्फेक्शन इज हाई. द पॉजिटिव फीलिंग अबाउट द वन जॉब रिजल्ट फ्रॉम द एंड इवेल्यूशन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक. यानी तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो पॉजिटिव फीलिंग मिलने वाला है. द विच वर्क इट इज रियली फॉर यू देन इट इज जॉब सेटिस्फाई. ए जॉब इवोल्यूशन. जॉब इवोल्यूशन में क्या, डिग्री टू विच अ पर्सनल पर्सन एक्टिविटीज पार्टिसिपेट इन जॉब. यानी तुम्हारे डिग्री एंड तुम्हारे गिवन्स के हिसाब से जो तुम्हें इवेल्यूएट किया जाता है और तुम्हें जो प्रमोशंस वगैरह दिए जाते हैं इस प्रमोशंस को इवेल्यूएट करना. देन ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिवेंट. अब द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय इज आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल इज विशेस टू मेंटेन मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन. ओके देन द अदर इज डिग्री टू विच एम्प्लॉय बिलीव द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देर द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड करियर अबाउट देयर वेल इट्स बींग. ओके अब उसमें क्या होता है कि जॉब एटीट्यूड में तुम्हारा इफेक्ट ऑन योर डिग्रीज होता है. अब लाइक कुछ पर्सन के पास डिग्रीज तो होते हैं लाइक रद्दी, लेकिन उसके पास जो टेक्निकल नॉलेज या फिर जो एक्टिविटी होनी चाहिए एज पर दिस डिग्री और नहीं होती है तो उसको इवेल्यूएट करके अलग किया जाता है या तो जूनियर या फिर प्रमोशन में उसको रोका जाता है एज कम्पेयर टू तो तुम्हारे बाद जो आया है वो अल्सो नॉलेजेबल है अल्सो डिग्री होल्डर है एंड अल्सो द आइडेंटिकल है तो उस पर्सन को हायर किया जाता है. तो एटीट्यूड में टाइम ऑफ जॉब एटीट्यूड में दिस इज इफेक्टेड ऑन योर एटीट्यूड बिकॉज कि तुम सीनियर है ज़्यादा वर्क जानते हो बट द डिग्री होल्डर आर लेस देन द न्यूली पर्सन. लाइक एक MBA होल्डर है और एक बैचलर है तो एज कम्पेयर टू बैचलर इज हायर, ज़्यादा टाइम वह काम कर चुका है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
तो उसको ज्यादा वेटेज होते हैं, बिकॉज कि ये जो न्यूली पर्सन आया है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जानता है या थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज जानता है, बट ही नेवर नो, द पर्सन इज नेवर नो रिगार्डिंग टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ज्यादा या डिसीजन लेकर या अकाउंटेबल नहीं हो सकता है. ओके, द मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, द जॉब सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट देखो क्या होता है. द फर्स्ट अप्रोच टू मेजरमेंट, द सिंगल ग्लोबल रेटिंग एंड समेशन ऑफ जॉब फैक्ट्स. उसके बाद द मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल, इकोनॉमिक कंडीशन एंड कल्चरल डिफरेंस. हम उसके बाद व्हाट कॉजेज यू जॉब सेटिस्फेक्शन. अब जब जॉब सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट किया जाता है तो जॉब सेटिस्फेक्शन को देखो तुम कौन से वेव से कैलकुलेट करते हो एज अ ह्यूमन बिहेवियर. तो अगर ग्लोबल देखेंगे, ग्लोबल बिहेवियर, तो ग्लोबल लेवल पे उस जॉब के क्या वैल्यू है. लाइक अ मैनेजर, मैनेजर ये वर्ड एज अ ग्लोबल लेवल यूज किया जाता है. तो एज अ पोस्ट ऑफ मैनेजर अगर कोई रहेगा तो तुम्हारे माइंड में जो चीज आती है एज कम्पेयर टू वर्कर सुनने के बाद आती है इज अ डिफरेंट. आंख बंद करके तुम जस्ट इस बारे में सोचोगे, द मैनेजर वर्ड और वर्कर वर्ड. अगर बोला जाए कि यू आर अ वर्कर ऑफ दिस जॉब ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या फील आता है. तुम जस्ट एम्प्लॉय के अंदर काउंट हुए एज अ यू आर अ मैनेजर. इससे जो फील आता है या डिफरेंस बिहेवियर आता है, इट्स अ डिफरेंट. तो उससे जो जॉब सेटिस्फेक्शन आता है वो लेवल में चेंज होता है. और द चेंज इज फर्स्ट इज इकोनॉमिकल कंडीशन. वर्कर इज अ लोअर इकोनॉमिकल कंडीशन एज कम्पेयर टू मैनेजर इज अ हायर इकोनॉमिक कंडीशन, बिकॉज उसका स्टैंडर्ड लेवल, उसका लिविंग थिंग डिफरेंट आर एज अ कल्चरल चेंज किया जाता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट, आउटकम फ्रॉम जॉब सेटिस्फेक्शन. अब आउटकम क्या है, द जॉब परफॉर्मेंस, देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लाइफ स्टैंडर्ड्स. अब ये चीज़ें जब तुम्हारे पॉइंट में आ जाए एज पर योर जॉब, तुम्हारे जॉब से अगर ये तीन चीज़ें पॉइंट आउट हो रही है, जैसे कि तुम्हारा परफॉर्म अच्छा दिखना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारे प्रोडक्शन से कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन फॉर योर फैमिली, ये तीन चीज़ें मिल रही है तो यार जॉब इज सेटिस्फाइड एंड आउटकम दे रहा है. ओके, देन द इम्पैक्ट ऑफ जॉब डिससेटिस्फेक्शन. अगर तुम जॉब से डिससेटिस्फेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, द डायरेक्टली सिलेक्टेड एग्जिट इंटरव्यू. इट मीन्स तुम जॉब छोड़ने की बात करोगे, एग्जिट फ्रॉम दिस जॉब, देन वॉइस लॉयल्टी एंड निगलेशंस, यानी जो काम के एक्टिविटी है उसको निगलेक्ट करेंगे और काम से भागेंगे. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. हेलो, अभिषेक महाड़िक. हेलो अभिषेक महाड़िक, ज्याला आवाज देईन, ज्याला कॉल करेन त्यानेच अनम्यूट व्हायचं, रिमेनिंग म्यूट असणार आहे. रियान म्यूट प्लीज. अभिषेक महाडिक अनम्यूट प्लीज. अब्रार कादरी, अब्रार कादरी, हेलो आवाज आ रही है अब्रार? हेलो हेलो, हाँ अब्रार, हाँ आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? हेलो, हाँ अब्रार आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? आकांक्षा मोरे, समझ ले आज का लेक्चर जॉब एटीट्यूड? कसं वागायचं लोकांमध्ये जॉब एटीट्यूडच्या वेळी, आपण कामावर असतो तेव्हा कसं वागायचं, पूर्ण पॉइंट समजलेत का जे एक्सप्लेन केले ते? काही प्रॉब्लेम असेल तर आपल्या ग्रुपवर व्हॉट्सअप टाकलात तरी, व्हॉट्सअपवर ग्रुप मला माझा नंबर आहे ग्रुपवर, तो जमा करून ठेवा तुमच्याकडे आणि मला व्हॉट्सअप केलात तरी चालेल, किंवा ग्रुप चॅटवर टाकायचं. ओके ओके ओके. आकाश सावर्डेकर, यस सर. आजचं लेक्चर कसं आहे, समजलं का? हो सर.
कुठला लेक्चर होता हा? फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल. व्हेरी नाइस. अमान, अमान कामिल सही बोले. बेसम कामिल सही बोले. बासम, बासम कामिल सही बोले. बासम क्या है नाम? बासम ये नो. हेलो बासम. चंदन, चंदन यस सर. कस म्हणजे काय समजलं का आजचं लेक्चर? जुनेद, हॅलो जुनेद, सॉरी जैनुद्दीन, मैनुद्दीन, हॅलो जैनुद्दीन, मैनुद्दीन, ओमकार मोरे, ओमकार मोरे, हॅलो. हा सर. हा सर. समझाए क्या आज का लेक्चर? समझ लो का? ओमकार तुझं रिसिप्ट नंबर काय आहे? रिसिप्टचा नंबर मला पाठवायचा तुझं. आणि रेडमी ओमकार मोरे म्हणून फक्त ओमकार मोरे असं नाव होऊन दे अशी माझी इच्छा आहे. बघूया किती इच्छा पालतोस. चालेल सर. हा बोला. रयन डेनकर मला मेसेज करतो, बोलते समजलं ना लेक्चर, त्याला विचारा जरा. इधर है वो रयान डेनकर. कनेक्ट रयान बोले. रयान, ए रयान बोले. एक मुझे समझा अभी रयान बोलेगा. किधर है रयान? अनम्यूट रयान. यस सर. रयान काय नहीं समझ ले तुम? क्या नहीं समझा? आज मैं समझा. मेरे को झूठ बोल रहे. उनका बोला सबूत क्या है? वेट वेट, झगड़े नहीं करने यहाँ पे. ओके द नेक्स्ट पॉइंट. अबरार कादरी. अमन, अमन को नहीं है. अमन, अमन कालवे. काल क्या? अमन कालवे. ओके. अनम कादरी. अनम अनम्यूट प्लीज. यस सर. आर यू गेटिंग टुडेज पॉइंट? यस. जॉब बिहेवियर. यस. ओके. फिजा प्रकार. अच्छा सुपरवाइजर वाला. एक मिनिट. हा यानी लिंक बिटवीन सुपरवाइजर एंड कौन सा वाला? लिंक बिटवीन सुपरवाइजर एंड को वर्कर. बराबर वो वाला पूछा ना तूने. हाँ तो क्या रहता है को वर्कर? यानी तुझसे जॉब में जो छोटा या न्यू जॉइंट होता है ना जूनियर, अगर कोई जूनियर को तुझसे ज्यादा वेटेज देगा किसी कंपनी में तुम्हारा मैनेजर, तो तुझे कैसा फील होगा? तो उस टाइम पे हमें बैड फील होता है कि यार मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ लेकिन मेरे बाद जो आया है नया है उसको मुझसे ज्यादा वेट किया जा रहा है. इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा उसको पूछा जा रहा है क्या किया जाए वगैरह. तो जो हमारे माइंड में जो बिहेवियर आता है, तो बिहेवियर रिगार्डिंग टू योर इतने दिन मैंने इतना अच्छा काम किया लेकिन मुझे कोई वेटेज ही नहीं है, सिर्फ मुझे वर्कर समझा जाता है. एज कम्पेयर टू मेरे बाद जो आए नए लोग, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है या फिर अभी न्यू आए उनको कंपनी पता भी नहीं है. ऑडियो नहीं आ रही है. हेलो. इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस कम हो जाती है. हाँ दैट्स द पॉइंट. और इम्पोर्टेंस कम होने से हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट होता है और इट्स इफेक्ट इज FHS फाउंडेशन में ह्यूमन स्किल में इफेक्ट करता है. और उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि चलो जॉब ही छोड़ दें, यहाँ जहाँ पे अपने को कोई वैल्यू नहीं है तो वह काम क्या करें. तो ये निगेटिव थिंक आते हैं. इज निगेटिव थिंक आर निगेटिव एटीट्यूड्स. अंडरस्टैंड? यस सर. तुम काल लेते ना कॉलेज से. इस टॉपिक के बाद में हम बाद में बात करेंगे. कोई भी फालतू टॉपिक यहाँ नहीं निकलेगा, सिर्फ लेक्चर के रिलेटेड बात की जाएंगे. और कोई फाइनल ईयर के बच्चे बोल रहे थे. कौन? नाम क्या? असुंद्या सर, असुंद्या. पूरा उधर झोडले होते.
घेऊन ये त्यांना सर आपल्याच आहात. मैं किसी के बाप का नहीं हूँ, मेरे को ज्यादा बोलने मत करो यहाँ पे. ओके सदफ परकार, ओके संग, ये कौन है संगामी, एक मिनट का गए नाम, ये नाम ऊपर नीचे होते ना उसे अल्हम्दुलिल्लाह. जिशान कौचाली कौन है ये, हेलो एवान मुदीफ तांबे, जिशान कौचाली मुदीफ तांबे मुदीफ तांबे ओके. अगर किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो आज का लेक्चर वैसे भी खत्म हो चुका है. मुदीफ तो बर्थडे है तो उसको काट.